हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप अपने फेस पर एलोवेरा जेल और रोज़ वाटर को लगाते हैं तो ये आपके लिए कितना इफ़ेक्टिव होता है और ये कैसा असर दिखाता है आपके स्किन पर। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने पतंजलि का एलोवेरा जेल लिया है और एलोवेरा जेल के फ़ायदे तो हम सभी जानते हैं एंड ये हमारे स्किन के लिए कितना बेनिफिशियल होता है। ये हमारे स्किन को मॉइस्चराइज़ करता है, हमारे स्किन से एक्ने पिंपल्स की समस्या को दूर करता है और हमारे फेस पर जो भी एक्ने स्कार वगैरह होते हैं, झाइयाँ होती है, पिगमेंटेशन होते हैं, फाइन लाइन्स की प्रॉब्लम होती है या डार्क पैचेस होते हैं, इन सारी समस्याओं को भी दूर करता है एलोवेरा जेल। एंड रोज़ वाटर बहुत ही अच्छा नेचुरल क्लिंजर है एंड नेचुरल टोनर है, तो ये हमारे स्किन पर गुलाबी निखार देता है, हमारे स्किन को हाइड्रेट करता है और हमारे स्किन के पीएच को भी मेंटेन करके रखता है और साथ ही हमारे स्किन पर बहुत ही अच्छा निखार आता है। इसमें भी स्किन वाइटनिंग की प्रॉपर्टीज़ होती है। एलोवेरा जेल एंड रोज़ वाटर को मैं एक साल से अपने फेस पर लगा रही हूँ और इन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है। हमारे फेस से जो भी डार्क स्पॉट थे वो सारे दूर हो गए हैं, हमारे माउथ के आसपास जो भी डार्क पैचेस थे वो दूर हो गए हैं एंड आप देख सकते हैं हमारे स्किन कितनी निखरी हुई, कितनी ग्लोइंग लग रही है। तो अगर आप भी इसे यूज़ करते हैं तो ये आपके स्किन से खोई हुई ग्लो को वापस लाने में आपकी हेल्प करेगी एंड अगर आपकी जो भी अनइवन स्किन टोन हो गई है वो उसे दूर करेगी। अगर आपको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, मुहासों की प्रॉब्लम है, डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम है तो उसे भी दूर करने में काफ़ी हेल्प करेगी। और अभी गर्मियों का सीज़न स्टार्ट होने वाला है और गर्मियों में हमारी स्किन जो है वो टैन हो जाती है, अनइवन स्किन टोन हो जाते हैं, स्किन पर निखार नहीं रहता है, चेहरा मुरझाया सा लगता है, तो इन सारी प्रॉब्लम्स को भी दूर करने में एलोवेरा जेल और रोज़ वाटर काफ़ी हेल्प करता है। साथ ही इन दोनों में स्किन वाइटनिंग की प्रॉपर्टीज़ होती है, तो ये आपके स्किन पर निखार लाएगी, आपके स्किन को ग्लोइंग बनाएगी, साथ ही आपके स्किन को हाइड्रेटेड रखेगी, उसे फ्रेश एंड जवां बनाए रखेगी और साथ ही अगर आपके स्किन पर डेड स्किन की लेयर जम जाती है तो उसे भी दूर करेगी और आपके स्किन को इवन स्किन टोन देगी, आपके खोई हुई चमक को वापस लाने में हेल्प करेगी आपके स्किन की और आपके स्किन को एक से दो टोन लाइट करने में हेल्प करेगी, क्योंकि इसमें स्किन वाइटनिंग की प्रॉपर्टीज़ होती है और ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही अच्छी है हमारे स्किन के लिए। तो चलिए अब हम इसे लगा लेते हैं एंड बताते हैं कि इसे कितनी बार लगाना है और कैसे लगाना है। तो सबसे पहले आपको अपने फेस को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है, उसके बाद आपको इसे थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेना है एंड इसमें 5 से 6 बूंदें आपको गुलाब जेल की डालनी है एंड इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में 1 हफ्ते के लिए बनाकर भी रख सकते हैं। आपको करना क्या है, 1 चम्मच एलोवेरा जेल लेना है एंड उसमें 2 चम्मच गुलाब जेल की ऐड करनी है, उसके बाद इन दोनों को मिक्स करके एक एयर टाइट कंटेनर में भर के आपको रख देना है 1 हफ्ते के लिए। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे आपको अपने पूरे फेस से नेक पर अप्लाई कर लेना है एंड इसे जब तक ये अब्सॉर्ब ना हो जाए आपके स्किन पर तब तक आपको अपने स्किन की मसाज करनी है। मसाजिंग से स्किन की ब्लड सर्कुलेशन इन्हेंस होती है एंड हमारे स्किन पर ग्लो आता है, तो आपको 5 मिनट तक अच्छे तरीके से मसाज करना है और अपने अंडर आई में भी अच्छे से मसाज करनी है, जिससे आपके डार्क सर्कल की प्रॉब्लम भी दूर होगी एंड आपके स्किन पर खोई हुई चमक वापस आएगी एंड आपको ये गोरा बनाने में भी हेल्प करेगी, आपकी स्किन को टाइटन करेगी, ब्राइटन करेगी। एंड अगर आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तो आपके पोर्स को भी मिनिमाइज़ करने में काफ़ी हेल्प करती है। दोस्तों, एलोवेरा जेल और गुलाब जेल आप किसी भी मौसम में लगा सकते हो, चाहे वो समर हो, विंटर हो, आप हर मौसम में इसे अपने फेस पर लगा सकते हो एंड इसे किसी भी स्किन टाइप के लोग यूज़ कर सकते हैं, चाहे आपकी स्किन ड्राई है, सेंसिटिव है या फिर ऑयली है, कॉम्बिनेशन स्किन है, ये हर स्किन टाइप के लोगों को सूट करता है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। दोस्तों, आपको इस रेमेडी को 2 टाइम यूज़ करना है, एक नाइट के टाइम पे और मॉर्निंग के टाइम पे। दोनों टाइम आपको सबसे पहले अपने फेस को वॉश करना है एंड आपको अपने फेस पर अच्छे से मसाज करनी है एलोवेरा जेल एंड गुलाब जेल की, और आपको इसे रेगुलर यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि आपने 10 दिन 15 दिन लगाया उसके बाद छोड़ दिया तो आपके स्किन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा इसका। अगर आप रेगुलर इसे यूज़ करते हो तो आपको इसे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा एंड यहाँ पर मैं 1 साल से यूज़ कर रही हूँ अपने स्किन पर, मैंने इसे कभी भी स्किप नहीं किया है और इसने मुझे काफ़ी फ़ायदा पहुँचाया है। तो आपको इसे नाइट के टाइम पर लगा कर इसे सो जाना है और सुबह उठ के नॉर्मल वाटर से अपने फेस को वॉश कर लेना है।
इससे दिन भर आपकी स्किन खिली खिली रहेगी, फ्रेश रहेगी, आपका चेहरा बिल्कुल भी मुरझाया हुआ नहीं लगेगा एंड आपके चेहरे पे फ्रेशनेस रहेगी दिन भर एंड आपके स्किन की डलनेस जो है वो दूर होगी। तो ये एलोवेरा सेल और गुलाब सेल बेस्ट है, आप इसे ज़रूर ट्राई करो और हमें कमेंट में ज़रूर बताना ये आपके लिए कितना हेल्पफुल हुआ। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड इसे जल्दी से फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।